नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 1 अगस्त। जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 51,000 के करीब। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते दिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार 24 घंटे में कुल मिलाकर 2,986 मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं अगर प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 67, अरवल में 37, औरंगाबाद में 57, बांका में 47, बेगूसराय में 71, भागलपुर में 63, भोजपुर में 82, बक्सर में 80, दरभंगा में 57, पूर्वी चंपारण में 36, गया में 126, गोपालगंज में 58, जमुई में 50, जहानाबाद में 34, कैमूर में 30, कटिहार में 59, खगड़िया में 58, किशनगंज में 61, लखीसराय में 28, मधेपुरा में 45, मधुबनी में 122, मुंगेर में 36, मुजफ्फरपुर में 125, नालंदा में 146, नवादा में 43, पटना में 535, पूर्णिया में 73, रोहतास में 156, सहरसा में 54, समस्तीपुर में 49, सारण में 85, शेखपुरा में 34, शिवहर में 14, सीतामढ़ी में 42, सिवान में 64, सुपौल में 80, वैशाली में 130, पश्चिम चंपारण में 59। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए शाम 4 बजे तक अपडेट के अनुसार अब तक कुल मिलाकर 33,650 मरीज कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। वहीं 298 लोगों की जान जा चुकी है। गांधी सेतु के पश्चिमी लेन का हुआ उद्घाटन। गांधी सेतु के पश्चिमी लेन का उद्घाटन बीते दिन कर दिया गया है, जिसके बाद सेतु पर गाड़ियों के परिचालन का शुभारंभ हो चुका है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गांधी सेतु पुल के पश्चिमी लेन में उद्घाटन कर दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद दोनों मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिहारवासियों का भरोसा दिलाया है कि राज्य के विकास से जुड़ा कोई भी काम हो, अगर प्रस्ताव आएगा तो वो काम कराया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने पटना में गंगा नदी नए 4-लेन पुल के निर्माण का काम भी अक्टूबर महीने से शुरू करने की बात कही है। बिहार के प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के लिए आई खुशखबरी। प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के लिए खुशखबरी जारी कर दी गई है। राज्य सरकार ने प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को मई महीने का वेतन जारी कर दिया है। इस संबंध में राज्य परियोजना निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेज दिया है। राज्य परियोजना कार्यालय में मई महीने के वेतन को लेकर 8,39,86,00,000 रुपए को रिलीज कर दिया गया है, जिसकी जानकारी पत्र में भी दे दी गई है। पत्र में कहा गया है कि सभी प्राइमरी शिक्षकों के मई महीने का वेतन जल्द से जल्द उनके खाते में भेज दिया जाएगा। पटना में मेयर सीता साहू ने बचाई अपनी कुर्सी। कुछ समय से सीता साहू की कुर्सी जाने की खबर सामने आ रही थी। हालांकि मेयर सीता साहू की कुर्सी अब बच गई है। उनके खिलाफ जारी किया गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कुछ समय पहले 41 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव जारी किया था, लेकिन प्रस्ताव के समर्थन में सिर्फ 4 वोट पड़े हैं। श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में अविश्वास प्रस्ताव की बैठक में पटना नगर निगम की सभी अधिकारी मौजूद थे। हालांकि अभी उनकी कुर्सी सही सलामत है। स्वास्थ्य सचिव प्रत्यमृत ने बिहार के हेल्थ सिस्टम में सुधार होने के जताए संकेत। स्वास्थ्य सचिव प्रत्यमृत ने जब से विभाग की कमान संभाली है तब से बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था में परिवर्तन देखा जा रहा है। प्रत्यमृत ने कोविड-19 अस्पतालों का निरीक्षण करना और अभी कार्यभार संभालने के तुरंत बाद शुरू कर दिया है। पहले ही दिन उन्होंने पटना के एम्स का निरीक्षण कर वहां के डॉक्टरों से पूरी जानकारी हासिल की थी। वहीं बीते दिन भागलपुर के JLNMCH में पहुंचे थे, जहां पहुंचकर उन्होंने कोविड-19 संक्रमितों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया है, साथ ही उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। DGP गुप्तेश्वर पांडे ने सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर की बैठक। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सामने आने के बाद एक बार फिर से यह पूरा मामला तुलपकड़ता नजर आ रहा है, जिसके बाद कई अहम पहलुओं का खुलासा भी किया गया है। वहीं अब इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने बैठक की है। इस दौरान अधिकारियों ने उन्होंने अब तक हुई जांच के बारे में जानकारी ली है। बैठक में DGP पुलिस हेडक्वार्टर, IG पटना रेंज और SSP पटना शामिल थे, जहां पर उन्होंने सभी से इसके बारे में फीडबैक लिया है। इतना ही नहीं, बैठक के दौरान DGP ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की। भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त करने वाले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को मशहूर शिक्षाविद, पत्रकार, अधिवक्ता और राजनेता के रूप में पहचाना जाता है। बिहार को बंगाल से अलग करने वाले लोगों में सबसे प्रमुख नाम सच्चिदानंद सिन्हा का था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम भारतीय थे जिन्हें एक राज्य का राज्यपाल और हाउस लॉर्ड्स का सदस्य बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म बक्सर जिले के चंगाई प्रखंड में मुरार गांव के एक संपन्न परिवार में 10 नवंबर 1871 को हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव में ली थी। आपको बता दें, बिहार की स्थापना में सच्चिदानंद सिन्हा की भूमिका को अहम माना जाता है, क्योंकि 1893 में बिहार बंगाल का हिस्सा था, जिसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा ने दृढ़ निश्चय ने बिहार को बंगाल से अलग किया था।
नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली हुई स्थगित। कोविड 19 के बीच बिहार में वर्चुअल रैलियों का दौर लगातार जारी है। वहीं 7 अगस्त को जदयू की ओर से भी एक वर्चुअल रैली आयोजित की गई थी, जिसको सीएम नीतीश कुमार संबोधित करने वाले थे, लेकिन अब इस वर्चुअल रैली को कैंसिल कर दिया गया है। पार्टी की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बाढ़ और कोविड 19 की बढ़ती समस्या को देखते हुए वर्चुअल रैली को कैंसिल कर दिया गया है, जिसकी जानकारी जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने दी है। बताया है कि 7 अगस्त को प्रस्तावित वर्चुअल रैली कैंसिल कर दी गई है, जिसके बाद आगे जाकर इसकी नई तारीख तय की जाएगी। ईदी के रूप में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छात्र को दी स्पोर्ट्स साइकिल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने युवाओं को खेल के लिए प्रेरित करने के लिए ईद के एक दिन पहले साइकिलिंग के शौकीन एक स्कूली छात्र रियाज को राष्ट्रपति भवन में बुलाकर ईदी के तौर पर एक साइकिल भेंट की है। इतना ही नहीं, इस दौरान राष्ट्रपति ने आज अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग चैंपियन बने और कड़ी मेहनत के माध्यम से अपने सपने को साकार करने की शुभकामना दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, दिल्ली के आनंद विहार स्थित सर्वोदय बाल विद्यालय के 9वीं क्लास का छात्र और मूल रूप से बिहार के मधुबनी जिले का रहने वाला और परिवार का खर्च चलाने में उनकी मदद करने के लिए अपने खाली समय में गाजियाबाद में बर्तन साफ करने का काम करता है। बिहार में बाढ़ की चपेट में आए 45 लाख से ज्यादा आबादी। राज्य में बाढ़ का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। बाढ़ का पानी राज्य के 14 जिलों के 110 प्रखंड के 1012 पंचायतों में घुस चुका है, जिसमें 45 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव ने इस बात की जानकारी दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत एवं बचाव कार्य चलाया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित 1,42,000 परिवारों के खाते में राशि भेज दी गई है और शेष परिवारों के खाते में यथाशीघ्र भेज दी जाएगी। इसके साथ ही राज्य के विभिन्न जिलों में 1193 सामुदायिक किचन राज्य सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं, जिसमें से हर दिन 70,000 लोग भोजन कर रहे हैं। बिहार में शिक्षक नियोजन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया अहम फैसला। शिक्षक नियोजन को लेकर बिहार सरकार ने अहम फैसला लिया है, जिसके तहत नियोजन प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार ने नई अधिसूचना जारी कर दी है। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए गए आदेश में यह बताया गया है कि 5वीं तक के शिक्षकों के नियोजन प्रक्रिया पर फिलहाल स्थगित का आदेश जारी रहेगा, लेकिन कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के शिक्षकों के नियोजन प्रक्रिया जारी रहेगी। वहीं शिक्षा विभाग ने अपने इस फैसले में हाईकोर्ट के आदेश को भी आधार बताया है। पीएमसीएच में जारी किया जाएगा मेडिकल बुलेटिन। अक्सर बड़े बड़े न्यूज चैनल पर आपने बड़ी बड़ी खबरों का बुलेटिन देखा होगा, वहीं अब इसी के तर्ज पर पीएमसीएच में भी मेडिकल बुलेटिन जारी किया जा रहा है, जहां पर मरीजों के पल पल का ब्यौरा साझा किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के पीएमसीएच में पहली बार भर्ती मरीजों के लिए मेडिकल बुलेटिन जारी होगा। इनमें उनके परिजनों को पल पल के हाल का ब्यौरा बताया जाएगा। यह व्यवस्था फिलहाल कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों के लिए चालू होगी। इतना ही नहीं, अब हर एक बेड के पास कॉल बेल लगाया जाएगा, ताकि मरीज जरूरत पड़ने पर नर्स और सहायक को आसानी से बुला सके। बाढ़ की वजह से बिग बॉस कंटेस्टेंट दीपक ठाकुर के घर की हुई बुरी हालत। बिहार में बाढ़ की स्थिति लगातार जारी है, वहीं अब बाढ़ की चपेट में बिग बॉस फेम दीपक ठाकुर का गांव और उनका घर भी आ गया है। दीपक ठाकुर के मुजफ्फरपुर स्थित आथर गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिसकी जानकारी दीपक ने इंस्टाग्राम पर साझा की है और अपने गांव और घर में आई बाढ़ की तस्वीर और वीडियो भी शेयर किया है। इतना ही नहीं, दीपक ने बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए राशन मुहैया करवाना शुरू कर दिया है। दीपक ने सोशल मीडिया के जरिए बिहार के लोगों की मदद की गुहार लगाई है। साथ ही इस पोस्ट में दीपक ठाकुर ने सिद्धार्थ शुक्ला, करणवीर बोहरा, मीका सिंह, सलमान खान, सोनू सूद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग किया है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत कई नेताओं ने की सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई जांच की मांग। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सीबीआई जांच की मांग की है। इसके तहत उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि मुंबई पुलिस बिहार पुलिस की जांच में रुकावट डाल रही है, महाराष्ट्र पुलिस सहयोग नहीं कर रही है, इसलिए ऐसी स्थिति में अब भाजपा को लग रहा है कि इस केस में सीबीआई जांच की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी इस मुद्दे पर सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं जदयू नेता और बिहार सरकार में रांची के रिम्स से लालू यादव को किया जाएगा अलग शिफ्ट। रांची रिम्स के पइंग वार्ड में लालू यादव को अब नहीं रखा जाएगा, जल्द ही उनका ठिकाना बदलने वाला है, जिसकी तैयारी शुरू करवा दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार लालू यादव को अब बंगले में रखा जाएगा। बंगले की साफ सफाई कराई जा रही है, एक दो दिन में लालू यादव को वहां शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि झारखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, रिम्स में भी कोविड 19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है, इसलिए लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें वहां से हटाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 6 लोगों की गई जान। बिहार में आकाशीय बिजली ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। कोविड 19 के इस माहौल में आकाशीय बिजली गिरने से बीते दिन 6 लोगों की जान चली गई है। आपदा विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार आकाशीय बिजली गिरने की वजह से औरंगाबाद में 5 और बांका में 1 व्यक्ति की जान चली गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आकाशीय बिजली से जान गंवाने वाले लोगों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है, साथ ही प्रभावित परिवारों को तत्काल 4-4 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश जारी किया है।
बिहार की सुनीता बांस और पाइप की मदद से कर रही है खेती। आत्मनिर्भर भारत के तहत बिहार की सुनीता अन्य महिलाओं को खुद के साथ मशरूम उगाने की ट्रेनिंग दे रही है ताकि खुद के साथ साथ उनका भी जीवन संवर सके। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के सारण जिले के बरेजा गाँव की सुनीता प्रसाद और उनके पति सत्येंद्र प्रसाद छोटे छोटे अभिनव प्रयासों से खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, आज वो पूरे गांव के अन्य लोगों के लिए प्रेरणा भी बन चुके हैं। सुनीता देवी के इस अभिनव प्रयोग के लिए मांझी स्थित किसान विज्ञान केंद्र में उन्हें अभिनव पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। बिहार के 8 जिलों के डीईओ को सौंपा गया शो कॉज। विभाग की तरफ से लगाए गए आरोपों के बावजूद शिक्षकों को बकाया वेतन देने के मामलों में 8 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सरकार ने शो कॉज नोटिस भेज दिया है। शिक्षा विभाग के अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह ने जिन 8 जिला शिक्षा पदाधिकारियों को शो कॉज भेजा है उसमें शेखपुरा, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय और औरंगाबाद का नाम शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार 29 मई 2002 को नियमित शिक्षकों के बकाया वेतन पर रोक लगाई गई थी, लेकिन 16 जून तक शिक्षकों का बकाया वेतन भुगतान किए जाने की खबर सामने आई है, जिसको विभाग ने गंभीरता से लेते हुए 8 जिलों के डीईओ से जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी प्रदेशवासियों को दी बकरीद की बधाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी प्रदेशवासियों को बकरीद की बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि बकरीद का त्यौहार असीम आस्था का त्यौहार है। खुदा के हुक्म पर बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार रहना इस त्यौहार का आदर्श है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस त्यौहार को आपसी भाईचारा और सद्भाव के साथ मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि त्यौहारों का आनंद आपसी भाईचारा के साथ मनाने से बढ़ता है और त्यौहार का आनंद मिलता है। वर्तमान में संक्रमण को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को सचेत रहना जरूरी है, जिसकी जानकारी IPRD मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस को मीडिया से बातचीत करने की लगाई रोक। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुंबई पुलिस की तरफ से लगातार रोक टोक देखने को मिल रही है। बिहार पुलिस को मीडिया से बात करने से मुंबई पुलिस ने मना कर दिया है। मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस को जबरन एक वैन में बैठाकर अपने साथ ले गई है। मिली जानकारी के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर जांच करने पहुंची बिहार पुलिस की टीम के सदस्यों को मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि इस मामले में लाइमलाइट में आई रिया चक्रवर्ती भी इस पूरे मामले को मुंबई पुलिस के हाथ में सौंपने की मांग कर रही है। ऐसे में मुंबई पुलिस का यह बर्ताव और चक्रवर्ती की मांग को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। COVID-19 के माहौल में साक्षर बनाने के लिए महिलाओं का नामांकन हुआ शुरू। COVID-19 के इस माहौल में निरक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके तहत शिक्षा निदेशालय ने नामांकन की प्रक्रिया को शुरू कराने का आदेश जारी किया है। जनशिक्षा निदेशालय की तरफ से सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेज दिया गया है। पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि शिक्षा सेवक अपने पोषक क्षेत्र में 20 अगस्त से 15 से 45 वर्षीय के निरीक्षर दलित अल्पसंख्यक पिछड़ा महिलाओं को साक्षात्कार केंद्रों पर नामांकन करवाए जाए। जानकारी के अनुसार निरक्षर महिलाओं का नामांकन 20 अगस्त तक लेकर के और 31 मार्च तक नामांकन संबंधी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजने का आदेश जारी किया गया है। पप्पू यादव ने स्वास्थ्य विभाग का दारोमदार को सौंपने की दी चुनौती। COVID-19 के बेलगाम बढ़ रहे मामलों को देखते हुए बिहार का स्वास्थ्य विभाग लगातार सवालों के घेरे में नजर आ रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए जवा प्रमुख पप्पू यादव ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए स्वास्थ्य विभाग के दारोमदार को सौंपने की चुनौती दी है, जिसके तहत पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में सभी को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर स्वास्थ्य महकमा उनके हाथों में दे दिया जाए तो वो COVID-19 को बिहार से खत्म कर देंगे, अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो वो राजनीति छोड़ देंगे। बाढ़ प्रभावितों से मोतिहारी में मिले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। COVID-19 और बाढ़ के इस माहौल में जहां सत्ता पक्ष के कोई भी नेता सामने नहीं आए हैं, वहीं विपक्षी दल लगातार प्रभावितों से मिलने पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में बीते दिन तेजस्वी यादव भी प्रभावितों से मिलने मोतिहारी पहुंचे थे, जहां पर तेजस्वी यादव मोतिहारी होते हुए सुगौली तक गए, जहां सिरकन्हा नदी के कारण आई बाढ़ की चपेट में प्रभावित हुए लोगों से मुलाकात की। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रभावितों के बीच सूखा भोजन का पैकेट भी वितरित किया है। इतना ही नहीं, मौके पर पहुंचकर उन्होंने सरकार को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि अब तो 136 दिन हो गए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घर से बाहर निकलिए। लोजपा ने COVID-19 के माहौल में चुनाव का आयोजन नहीं करवाने की दी नसीहत। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान बिहार सरकार के सुर से सुर मिलाते नजर नहीं आ रहे हैं। जहां एक तरफ बिहार सरकार चुनाव करवाने पर जोर दे रही है, वहीं लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने चुनाव आयोग को चुनाव स्थगित करवाने की नसीहत दी है, जिसके तहत लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने हाल ही में चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पार्टी के विचार से अवगत कराया है। लोजपा ने साफ कह दिया है कि COVID-19 के माहौल में बिहार के अंदर चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं है। बिहार में कोरोना संक्रमण के हालात बेहद गंभीर है और मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार अगर चुनाव होते हैं तो मतदाता भारी मात्रा में COVID-19 की चपेट में आ सकते हैं।
विजय दहिया ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर दी अपनी प्रतिक्रिया। महेंद्र सिंह धोनी को हमेशा उनके शांत व्यवहार के लिए पहचाना जाता है। वहीं अब भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर विजय दहिया ने भी महेंद्र सिंह धोनी को लेकर अहम बयान जारी किया है, जिसके तहत दहिया का मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी ने अभी काफी क्रिकेट खेलना बाकी है। महेंद्र सिंह धोनी के करियर को लेकर पूछे गए सवाल में दहिया ने कहा कि मीडिया में जारी तमाम चर्चाओं के बीच सिर्फ पूर्व कप्तान खुद ही जानते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। धोनी ने भारतीय क्रिकेट में बहुत योगदान दिया है, उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी के साथ अगर कोई 30 साल पहले भी रहे तो वो इंसान नहीं समझ पाएगा कि धोनी क्या सोच रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का जवाब हमें अच्छा लगा है उनके नाम है राहुल यादव, सुमन कुमार, संतोष कुमार जैन, ब्रज किशोर सिंह, राजीव राज, बबलू यादव, सोनम देवी, अशोक कुमार, तुलसी कुमार, संदीप ऑफिशियल, मिथिलेश कुमार ठाकुर, रोहित झा, मनीष कुमार, दिलीप सिंह, राजेश कुमार, सतीश राज, अजय कुमार, संतोष जायसवाल, चंदन कुमार, अशोक पटेल, अजय भारती। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अभी भी भारतीय टीम खेलने का दमखम रखते हैं या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।